सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सरकारी परीक्षा पे तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और आपके लिए ताजा करीन खबरें लेकर के आ चुके हैं आपके पीयू सर तो फटाफट से दोस्तों एक बार दबा के शेयर कर दीजिए पेपर पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा जहां तक शेयर कर सकते हैं दोस्तों इस सेशन को शेयर करिए इस चैनल को आगे बढ़ाना है दोस्तों और ये जो सेशन है जहां पे सबसे ज्यादा करंट अफेयर इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में गारंटी है इससे ज़्यादा करंट अफेयर कहीं नहीं पढ़ाया जाता दोस्तों और आपके लिए कोई भी करेंट अफेयर छोड़ना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए एक नंबर का नुकसान हो सकता है तो दोस्तों इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा अब एग्ज़ाम में आपका कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों क्योंकि आप इस सेशन को रोज देखिए उसके लिए बस इस चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करके नो, आ, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है बेल आइकॉन को दबा लेना है दोस्तों लाइक करके अपनी हाजिरी भी दोस्तों बता देनी है सरकारी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है पी के लिए और सरकारी परीक्षा डॉट कॉम को विजिट करना है मॉक टेस्ट और बाकी सारे कंटेंट्स के लिए ठीक है दोस्तों यहाँ पे मेरी क्लास जो है सुबह छह बजे होती है एसएससी सीजीएल के लिए पूरी हम लोग ने मैराथन क्लासेज जो सारी चीजें प्लान करी थी दोस्तों और एसएससी सीजीएल के आज नाम एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो दोस्तों जो लोग भी एसएससी सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट भगवान और माता रानी बाबा आपके ऊपर कृपा बरसाए और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आए दोस्तों जाओ भैया एकदम किले फतह करके आओ जाओ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के शो को सभी को गुड मॉर्निंग राधे राधे दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड द सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क तो दोस्तों यहां पे देखा जाए तो तमिलनाडु ने तमिलनाडु ने सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है दोस्तों ठीक है याद रहेगा चलिए तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टॉलिन इनोग्रेटेड द सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क एट द इराईयूर इन पेरम्ब पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट तो दोस्तों इसका उद्घाटन स्टालिन जी ने किया है स्टॉलिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों क्या है स्टॉलिन जी मुख्यमंत्री हैं बहुत ही काला और गजब का बाल है इनका दोस्तों स्टॉलिन जी की बुक है वन अमंग यू क्या नाम है भैया वन अमंग यू इनकी बुक है इनकी बुक है दोस्तों और इन्होंने अभी अपने फादर की स्टेच्यू लगाई ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था इनके फादर भी दोस्तों मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था करुणा निधि करुणा निधि दोस्तों तमिलनाडु की बात कर ले तमिलनाडु की तो डोमेस्टिक टूरिज्म को एट्रैक्ट करने में ये नंबर वन पे रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म को नंबर वन पे रहा है अट्रैक्ट करने में दोस्तों चेन्नई इसकी कैपिटल है आर एन रवि यहाँ के गवर्नर है जो पहले नागालैंड के गवर्नर थे दोस्तों दोस्तों यहीं पे 44वां चेस ओलंपियाड हुआ है 45वां हंगरी में होगा 46वां जो है वो होगा दोस्तों उज्बेकिस्तान में इस बार यहाँ पे गोल्ड मेडल उज्बेकिस्तान जीता था ब्रॉन्ज भारत जीता था ओपन कैटेगरी के चेस ओलंपियाड में भी और दोस्तों वीमेन कैटेगरी में भी विश्वनाथन आनंद यहीं के हैं जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और भारत के पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता है अब पहले उस समय राजीव गांधी खेल रत्न कहते थे उसको कल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत अचंता कमल को मिला है दोस्तों जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं तो दोस्तों विश्वनाथन आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं रशिया वाले जोरकोविच उसके अध्यक्ष बने ये चुनाव भी चेन्नई में ही हुआ था जब चेस ओलंपियाड यहाँ पे हुआ था दोस्तों रिनेबल एनर्जी में जो है वो चेन्नई ने टॉप किया है दोस्तों और सोलर एनर्जी में राजस्थान ने टॉप किया है ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिहार के भोजपुर में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की खरीद संचालन और रख रखाव के लिए दोस्तों प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए आरईसी की CSR पहल का उद्घाटन किसने किया वो हैज इनोग्रेटेड आरईसीटिव तो दोस्तों यहां पे आर के सिंह दोस्तों आरईसी जो है दोस्तों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी दोस्तों जो भारत की बारहवीं महारत्न कंपनी है और दोस्तों अभी जो है ग्यारहवीं महारत्न कंपनी थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन दोनों पावर सेक्टर को फाइनेंस करती हैं। यह क्वेश्चन अभी शनिवार को 26 तारीख को आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा गया यह आपका प्रश्न है दोस्तों ठीक है बिहार के ही भोजपुर में दोस्तों 78,220 यानी अठहत्तर तिरंगे फहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों सबसे ज्यादा कमलेश कह रहे हैं कि सर आरके सिंह पावर मिनिस्टर आरा के हाँ उसी आरा से उन्होंने ग्राम उजाला योजना शुरू की थी दस रुपए में अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल दोस्तों इसकी है, ठीक है क्लियर है बिहार में दोस्तों भी गंगा जल योजना शुरू की है नीतीश कुमार ने एथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला भी सबसे पहला राज्य बिहार ही है दोस्तों ठीक है और पटना में जिन्होंने गंगा नदी पर गंगा डॉल्फिन का कंजर्वेशन सेंटर बनाया था जो हमारा जलीय जीव है भारत का राष्ट्रीय नेशनल एक्वेटिक एलिमेंट है दोस्तों ठीक है याद रखिएगा ओके चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहां पे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स बनाए गए हैं जिसकी कॉस्टिंग है बारह करोड़ रुपए दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के सेवेंथ एडिशन को किसने संबोधित किया तो दोस्तों ये जो है एस जयशंकर जी ने संबोधित किया है एस जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों ये पहले हमारे देश में आई आए, ऑफिसर हुआ करते थे दोस्तों कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना अमेरिका जैसे देशों में बराक ओबामा को रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बना के लाने वाले यही व्यक्ति थे वरना अमेरिकन खुली छत पे नहीं घूमते हैं जहाँ पे सारी फ्लाइट्स सा आ रही हैं सारी जेट विमान्स के परीक्षण हो रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे कभी अमेरिका राष्ट्रपति तो ये लेके आए थे डोकलाम विवाद चाइना से इन्होंने सॉल्व कराया था तो बहुत सारे रणनीतिक जीत कूटनीतिक के बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं दोस्तों तो ये बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए दोस्तों वो भी कैबिनेट मंत्री एक अधिकारी को मंत्री बना दिया जो है भारत सरकार ने दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों इस बार रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो इजिप्ट के मिश्र के राष्ट्रपति रहेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी अब्दुल फतेह अल सीसी ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया आशा यहाँ पे दिव्या करी एक ही तो है वाल्मीकि नेशनल पार्क हाँ भैया एक ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क और क्या KVIC के के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस जिले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है के चेयरमैन मनोज कुमार हैज इनोग्रेटेड री एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन दोस्तों खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के हेड हुआ करते थे दोस्तों आपके वो जो दिल्ली के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम आप बताएंगे और केवीआईसी दोस्तों से अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे आपके पिछले मंथ केवीआईसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है एमएसएमई मंत्रालय केवीआईसी के सीईओ का नाम बताइए केवीआईसी के सीईओ का दोस्तों आपको नाम बताना है ठीक है क्लियर है बताओगे नाम वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों यहां पे नैनीताल में जो है नैनीताल में जो है यहाँ पे पुनर्निवास परियोजना री प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है के वी आई सी के द्वारा ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त री का फुल फॉर्म क्या है भैया रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ओके क्लियर है चलिए ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्री हंड्रेड थर्टी बी बॉक्सेस बी कॉलोनीज तो दोस्तों ये चौसला गांव के लाभार्थियों को मुख मधुमक्खी बक्से कॉलोनी स्टूल किट के साथ शहद निकालने वालों का भी निशुल्क वितरण किया गया ठीक है क्लियर है चलिए दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स ने किस वर्ष तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमति की है दोस्तों टाटा की एयर इंडिया भी है टाटा की विस्तारा भी है और टाटा की एयर एशिया भी है अब जो है टाटा इस पर विचार कर रहा है कि धीरे धीरे इन तीनों को एक साथ मर्ज करने पे चक्कर में लगा हुआ एयर एशिया में जो मलेशिया की कैपिटल एम का शेयर है वो धीरे धीरे टाटा एक्वायर करते जा रहा है और विस्तारा दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस के साथ और एयर एशिया मलेशिया के साथ अब दोस्तों एयर इंडिया भारत सरकार के साथ तो विस्तारा में भी करीब करीब हिस्सेदारी लेते ही गया है और अब जो है दोस्तों विस्तारा भी एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगा बात समझ में आ रही है क्लियर बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2024 हजार क्या आंसर आएगा मेरे भाई 2024 हजार चौबीस यहाँ पे आंसर आएगा ओके तो मार्च दो हजार चौबीस तक दोस्तों इसे होगा जय हो, हो कॉपी पेस्ट वालों की बाबा की जय हो बाबा जाने मन की बात बाबा दो तो हजार तेईस बता रहे हैं सब लोग कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हैं तो दोस्तों मार्च दो हजार चौबीस तक जो है ये मर्ज होने का यहां पे एक रोड मैप तैयार किया गया है ओके टाटा की दोस्तों टेलेस कंपनी है टाटा की दोस्तों टेलस कंपनी है जिसने अठारह हजार करोड़ में एयर इंडिया को एक्वायर किया था अठारह हजार करोड़ में दोस्तों एयर इंडिया को एक्वायर किया था ठीक है क्लियर है याद रखिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों मेरिको के सफोला फिटिफाई के ब्रांड एम्बेडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था तो दोस्तों जो है किसे अपॉइंट किया गया था तो ये जानवी कपूर को अपॉइंट किया गया था जानवी कपूर को अपॉइंट किया गया था ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हेल्थ को रखो फिट फिट फिटिफाई क्या बात है तो भैया आपको जो है बस किसी का बेटी बेटा होना है एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इकतालीसवें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दोस्तों सार्वजनिक संचार और आउटरीच के लिए उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार जीता है वॉन द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच अवार्ड पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच अवार्ड पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच अवार्ड हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है भाई साहब इतना घूम घूम के हर आदमी तक पहुंच के वैक्सीन लगाया है कि नहीं लगाया है दोस्तों दिल्ली में ये जो ट्रेड फेयर है दोस्तों ये चौदह नवंबर को शुरू होता है जिस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते नेहरू जी का बर्थडे मनाते प्रगति मैदान में दिल्ली में ये ट्रेड फेयर हर साल शुरू होता है इस बार इसकी थीम है लोकल फॉर वोकल एंड वोकल फॉर ग्लोबल लोकल फॉर वोकल एंड वोकल फॉर ग्लोबल लोकल फॉर वोकल एंड वोकल फॉर ग्लोबल ये सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा दोस्तों जो है वो इकतालीसवां ट्रेड फेयर हुआ है फोर्टी ट्रेड फेयर हुआ है यह भी जो है हमें याद रखना होगा ठीक है दोस्तों गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फिफ्टी थर्ड एडिशन में दोस्तों एक ईरानी फिल्म नरगेसी को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है दोस्तों गोवा में ये प्रोग्राम हुआ था जहाँ के ज्यूरी हेड नदाव नदाव लैपिड रहे हैं इजरायली डायरेक्टर इजरायली डायरेक्टर जिन्होंने कश्मीरी फाइल को एक प्रपकुंडा और वलगर फिल्म बताया था दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे पायस एसकेंद्री पायम एसकेंद्री द्वारा डायरेक्टेड है ये जो है दोस्तों मूवी नरगेसी दोस्तों यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड का बेस्ट फिल्म अवार्ड दोस्तों आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया जो एक आ, जो है सत्रह 18 साल के लड़की की कहानी है दोस्तों आपको बताना है ये किस जगह की मूवी थी ये किस देश की मूवी है दोस्तों आ, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स फटाफट बताइएगा दोस्तों नई दिल्ली के एक समारोह में मास्टर शिल्पकारों को 2017, 18 और 19 के लिए शिल्प गिरु शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं तो दोस्तों ये जगदीप धनखड़ जी ने ये जो है दिया जगदीप धनखड़ जी कौन है दोस्तों राजस्थान के रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं और भारत के दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट हैं और भारत के दोस्तों राज्यसभा के सभापति भी हैं क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति होता है भारत का वही राज्यसभा का सभापति होता है ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है लड़कियों याद रखना ठीक है अब तो आप कहेंगे सर लड़कियों क्यों बोले हैं लड़के क्यों नहीं बोले क्योंकि तो लड़के थोड़ा राज्यसभा लोकसभा टीवी देखते हैं वैसे अब लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी हो चुका है ये दोनों टीवी मर्ज हो चुके हैं आप देख सकते हैं वहां पीछे संसद टीवी लिखा हुआ है लाइव के ऊपर है ना जो इस फोटोग्राफ में है ओके चलिए दोस्तों दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जो है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को में उत्कृष्टता अवार्ड जीता है वो दी दी हैज द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट यूनेस्को फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन तो दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता है ऐसी क्या बात है इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय क्या है दोस्तों सबसे पहले तो हमें अगर वास्तु का मतलब पता हो तो आर्किटेक्चर होता है आर्किटेक्चर का जो बेस्ट हमारे यहां आदमी थे वो है बाल कृष्ण अवार्ड ब्रिटेन ने दिया है। उन्हें आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा प्राइज होता है आर्किटेक्चर का होता है प्रिजगर प्राइज प्रिजगर प्राइज उन्हें दिया गया पुलिजर नहीं पुलिसर जर्नलिज्म का होता है प्रिजगर प्राइज ये आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट प्राइज है वो भी बाल कृष्ण दोषी जी को मिल चुका है दोस्तों ठीक है आर्किटेक्चर एक से एक आर्किटेक्चर ये देखिए आर्किटेक्चर इस आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं दोस्तों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है एक से एक ऐसे गुम्बद बनाए जाते हैं ऐसे डोम बनाए जाते हैं जो अंदर से भी बड़े खूबसूरत होते हैं बाहर से भी बड़े खूबसूरत होते हैं तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो म्यूजियम है उसको यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है यूनेस्को ही दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट को संरक्षित करती है चालीस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चौदह इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है और पचहत्तर दोस्तों रामसर साइट है बात समझ में आ रही है यूनेस्को दोस्तों जो 16 नवंबर 1945 को आई थी 16 नवंबर 1945 को आई थी अजोले जिसकी हेड है अजोले और दोस्तों पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है FATF का भी है, और ओ और ओईसीडी का भी हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी हेडक्वार्टर है ओके okay? क्लियर है याद रहेगा म्यूजियम इज द पार्ट ऑफ विक्टोरियन कैथोलिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई विक्टोरियन कैथोलिक दोस्तों जो है आर्किटेक्चर का ये नमूना है मुंबई की बहुत सारी बिल्डिंग क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई है अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है तो दोस्तों वो उसी पैटर्न पे बनी हुई है और उसे जो है विश्व की विरासत स्थल माना जाता है जैसे आपको याद करो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो बिल्डिंग है कितनी अलग तरीके की है चाहे हाईकोर्ट हो वहाँ का बिल्कुल अलग तरीके की बिल्डिंग है 1982 में 22 में दोस्तों 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसे जो है दोस्तों स्थापित किया गया था था इसका नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय दोस्तों इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स कौन बन गए प्रिंस ऑफ वेल्स थे दोस्तों किंग चार्ल्स वो प्रिंस चार्ल्स थे अब वो किंग चार्ल्स थ्री हो गए अब उनके लड़के प्रिंस विलियम्स दोस्तों वहाँ के प्रिंस हो गए हैं प्रिंस विलियम्स हो गए हैं तो मतलब राजा जो बनता है यूके का ब्रिटेन का राजा वो वेल्स का ही प्रिंस होता है दोस्तों ब्रिटेन जो है इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला के बनता है ईडब्ल्यू एस से याद करो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के बनता है ब्रिटेन और इसमें अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दो आयरलैंड को नहीं आयरलैंड डुबलिन को नहीं नॉर्दर्न आयरलैंड को तो यूके बन जाता है तो यूके बन जाता है दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों ये देखिए आर्किटेक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे गुंबद बनाए गए हैं कैसे आर्किटेक्चर बनाए गए हैं ये देखिए है, ये सब दोस्तों अंग्रेजों की जो है वो है आर्किटेक्चर है ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं है, घंटाघर ये सब दोस्तों जो है वो जो है विक्टोरियन आर्ट डेको असेंबल्स है ये देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये देखिए जिसको विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे भारत का पहला रेलवे स्टेशन माना जाता है इसको ये देख रहे किस तरीके के गुंबद है छोटे छोटे गुंबद फिर उसके बाद बड़े गुंबद छोटे गुंबद ये देखिए गोल गोल ऐसा बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है गोल बिल्डिंग है ना ये दोस्तों हाईकोर्ट देख लीजिए कोई भी देख लीजिए दोस्तों है ना तो ये जो भी चीजें बनाई गई हैं ये सब क्या है दोस्तों ये सब विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल जैसे आप आते हो तो देखते हो आगरा वगैरह में कि मुगल कालीन आर्किटेक्चर फतेहपुर सीकरी आगरे का फोर्ट ताजमहल यहां पे आपको अंग्रेजों के आर्किटेक्चर दिखाई देंगे विक्टोरियन आर्किटेक्चर ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों ऐसे ही एक और आर्किटेक्ट की आर्किटेक्चर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है उस व्यक्ति का नाम क्या है उस जगह का नाम क्या है यह आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड दोस्तों और मिशन नियंत्रण सेंटर स्थापित किया है तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट पैड दोस्तों किसने लॉन्च किया है फटाफट इसका जवाब दीजिएगा तो भैया यहाँ पे जो है मैं जो है मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि उस व्यक्ति का नाम था ले कार्बुजियर और उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर हैं चंडीगढ़ में चंडीगढ़ को उन्होंने प्लान किया था ले कार्बुजियर ने शायद फ्रांसीसी आर्किटेक्ट हैं और आज भी उन्हीं के नियमावली से चंडीगढ़ चलता है न तो मनोहर लाल खट्टर छेड़छाड़ कर सकते हैं न तो भगवंत मान यहाँ तक कि एक मूर्ति लगानी थी विधानसभा में तो वो भी अप्रूवल नहीं मिला क्योंकि पुस्तिका नियमावली में जो है नहीं लगाने की परमिशन है तो सोच लीजिए दोस्तों भारत का जो पहला लॉन्च पैड है प्राइवेट वो दोस्तों अग्निकूल चेन्नई की कंपनी ने जो है दोस्तों जो यहां से वो अपना रॉकेट लॉन्च करेगी अग्निबाण अपनी अग्निबाड़ रॉकेट लॉन्च करेगी दोस्तों तो ये लॉन्च पैड इसका है दोस्तों लॉन्च पैड इसका है लेकिन पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है दोस्तों तो वो स्काई रूट ने किया है विक्रम एस रॉकेट पहली प्राइवेट रॉकेट किसने लॉन्च करी है तो वो विक्रम एस वाली है। हैदराबाद वाली ने करी हैदराबाद वाली ने करी है दोस्तों और पहला जो है वो पैड किसने बनाया यानी कि जो अपना रॉकेट जो है वो अपने पैड से जो है लॉन्च करेगा प्राइवेट पैड से लॉन्च करेगा अग्नि कूल करेगा कूल ने अभी थ्री प्रिंटेड रॉकेट बनाया है जिसको उसने पेटेंट भी कराया है पेटेंट भी कराया है ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों ये आपका आंसर है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथन जी जो है इसका उद्घाटन किए हैं एस सोमनाथन जी जो इसरो का हेड होता है वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मंत्री कौन है दोस्तों बता सकते हैं आप लोग दोस्तों इंटरनेशनल जैगवार डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल जैगवार डे दोस्तों हर साल तीस नवंबर को मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है तीस नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है ओके okay, याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अपनी मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है दोस्तों तो ये मेघालय है कौन है मेरे भाई मेघालय है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त मेघालय दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश वाला जगह इसीलिए मेघों का आलय कहा जाता है यही चेरापुंजी है यही मासीन राम है मासन राम दोस्तों जो है सबसे ज्यादा बारिश का चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ठीक है तो दोस्तों मेघालय अभी डब्ल्यू एस अवार्ड जीता टोल प्लाजा खत्म किया अपने यहां से दोस्तों अभी मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हुआ था जिसे मणिपुर ने जीता 240 मेडल के साथ दोस्तों विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लुसोफोन महोत्सव तो इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल दोस्तों ये गोवा में मनाया गया गोवा जहां पे अगला सैतीसवा नेशनल गेम होने वाला है फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया खत्म हुआ है अभी वहां पे ठीक है क्लियर है दोस्तों लूसोफोन वो लोग हैं जो पुर्तगाली को मूल या एक सामान्य दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं दोस्तों यहां पे पुर्तगालियों का शासन था पुर्तगीज शासन था जो 1961 में गए हैं सबसे पहले अंग्रेजों से भी पहले ये आए थे और बाद में गए हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस योजना के तहत नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है तो दोस्तों ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसे नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है नई चेतना जेंडर कैंपेन दोस्तों ये जो है शुरू किया गया है ठीक है तमिलनाडु में शुरू किया गया है कुटुंब श्री की लीडरशिप में शुरू किया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए उनके खिलाफ आवाज बन जो है उठाने के लिए अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए नई चेतना जेंडर कैंपेन शुरू किया गया है तमिलनाडु में दोस्तों सेबी सेबी जिसकी हेड मदाबी पूरी बुच है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है संस्था नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी 1988 में इसने दोस्तों नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कि डेप्ट से शेयर में और शेयर से डेप्ट में यानी डेप्ट से इक्विटी में और इक्विटी से डेप्ट में कन्वर्ट ना हो उस के लिए दोस्तों उसमें ओ ट्रेड के लिए ओटीसी ट्रेड का मतलब क्या होता है ओवर द काउंटर ट्रेड ओवर द काउंटर ट्रेड मतलब होता है आमने सामने एक खरीदने वाला बेचने वाला दोनों के बीच में डायरेक्ट डील होती है तो दोस्तों के लिए एक समान प्रारूप जारी किया है एक दोस्तों यूनिफॉर्म फॉर्मेट जारी किया है ये नई गाइडलाइन कब से लागू करेंगे सेबी वाले तो दोस्तों ये एक जनवरी 2023 से लागू करेंगे दोस्तों सेबी को अधिकार मिला है 1992 में सेबी एक्ट 1992 के तहत रेगुलेटिंग पावर मिला है सेबी में अभी होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया बने जो एस के एम थे मदावी पूरी बुच जो है पहली प्राइवेट कंपनी से आई हुई है नॉन आईएएस महिला हैं जो हेड बन गई हैं सेबी की आईसीसी सिक्योरिटीज से आई है दोस्तों किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के उनचासवें ओवर में वर्ल्ड रिकॉर्ड सात छक्के मारे एक ओवर में सात छक्के भाई साहब एक ओवर में सात छक्के महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों यूपी के शिवा सिंह के खिलाफ यूपी के चाइना में 360 डिग्री बॉलर जो है के खिलाफ दोस्तों ये जो है रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों यूपी के थे शिवा सिंह और महाराष्ट्र के थे ऋतुराज गायकवाड़ लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ हो रही थी क्वार्टर फाइनल ये अहमदाबाद गुजरात में हो रही थी उनचासवें ओवर में ये जो है दोस्तों मारे हैं पांचवी बॉल नो बॉल थी इसलिए सात छक्के लग गए और छठवीं बॉल फ्री हिट थी दोस्तों यूपी में पहली बार किसी महिला को कमिश्नर बनाया गया है तो दोस्तों यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया वो हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट पुलिस कमिश्नर तो दोस्तों ये जो है लक्ष्मी सिंह को अपॉइंट किया गया किसको अपॉइंट किया गया है लक्ष्मी सिंह को दोस्तों अपॉइंट किया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है गौतम बुद्ध नगर जिसे कि नोएडा का नया नाम है गौतम बुद्ध नगर दोस्तों यहां पर जो है ये जो है तीस नवंबर को कार्यभार संभाल ली है दोस्तों दो हजार बैच के अधिकारी हैं दोस्तों किसने पांच हजार उनहत्तर करोड़ रुपए की बोली के साथ मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना जीती है यानी पूरी बस्ती बेच दी गई है भैया किसको अदानी को पुनर्विकास के नाम पे भैया crore bid for, for redevelopment of प्रोजेक्ट ग्रुप the लार्जेस्ट slum. तो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कौन सा है दोस्तों ये धारावी है दोस्तों जहाँ पे स्लम डॉग मिलेनियर की शूटिंग भी हुई थी बीस हजार करोड़ रुपए की परियोजना है साढ़े छः लाख झुग्गी वासी हैं दोस्तों इनका पुनर्वास किया जाएगा सात साल तक दोस्तों इनका पुनर्वास किया जाएगा याद रखिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों पुरुषों के वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी बनने के लिए कौन तैयार है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों जहां पर महिला रेफरी बनने के लिए तैयार है स्टेफनी फ्रेपेट दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फ्रांस की है स्टेफनी फ्रापार्ट ये फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार दोस्तों फाइनल मैच में रेफरी बनने वाली महिला हैं एक दिसंबर को दोस्तों कतर के अलबायात स्टेडियम में कोस्टारिका का सामना जर्मनी से होगा तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड कप में ये जो है रेफरी बनेंगी दोस्तों मार्च दो 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय हो जाएगा मर्जर हो जाएगा मेरे भाई तो यहां पे विस्तारा, का मर्जर हो जाएगा। विस्तारा भी टाटा का है एयर इंडिया भी टाटा का है और एयर एशिया भी टाटा का है एयर एशिया मलेशिया के साथ विस्तारा सिंगापुर के साथ तो दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस के अपनी हिस्सेदारी बेचेगा और दोस्तों जो है सिंगापुर एयरलाइंस भी इन्वेस्ट करेगा और ये सब एयर इंडिया का पार्ट हो जाएगा ठीक है विस्तारा भी एयर इंडिया का ही पार्ट हो जाएगा और एयर इंडिया का नया नाम हो जाएगा विहान डॉट ए आई सिंगापुर एयरलाइंस ढाई सौ मिलियन डॉलर का निवेश करेगी दोस्तों ठीक है ओके और दोस्तों ये जो है इन्वेस्टमेंट होते ही एयर इंडिया जो है वो दो हजार करोड़ की हो जाएगी ठीक है दो हजार करोड़ रुपए यहां पे निवेश करने वाली है दोस्तों भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय का उद्घाटन किया समन्वय क्या चीज है दोस्तों एनुअल ज्वाइंट ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे आपदा आ जाए तो कैसे इंसानों को बचाया जाए उनके तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए इस अभियान में कोऑर्डिनेशन के बड़ा आवश्यकता है समन्वय की बड़ी आवश्यकता है यह आगरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक्सरसाइज किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज किया गया है आगरा में दोस्तों ओके okay? तो दोस्तों समन्वय में आशियान देशों के भी भागीदार थे आशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दस मेंबर हैं दोस्तों इसके और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में आशियान की इस बार मीटिंग कंबोडिया के नोमपेन में हुई थी और स्टार्टअप जो फेस्टिवल इंडिया का हुआ था आशियान के साथ वो इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों भारत किस देश से नवंबर में दाहेश टर्मिनल में अपना पहला कार्गो तांग गुह एल एन लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट प्राप्त करेगा तो दोस्तों भारत इसे इंडोनेशिया से प्राप्त करेगा दोस्तों इंडोनेशिया जो है वो दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह नूसन तारा को अपना कैपिटल बनाने का निश्चय लिया है और दोस्तों इंडोनेशिया में ही जी ट्वेंटी सब्मिट हो रहा है जिसमें बाली में मोदी जी गए थे और एक दिसंबर से यानी आज से इसकी प्रेसिडेंसी दोस्तों इंडिया के पास आ जाएगी यानी आज से इंडोनेशिया अब जी ट्वेंटी का होस्ट uh, नहीं रहेगा आज से भारत हो जाएगा दोस्तों जी ट्वेंटी का होस्ट ठीक है और चार तारीख से चार तारीख से सात तारीख तक पहली मीटिंग भारत में शुरू भी हो जाएगी उदयपुर में जो जी ट्वेंटी की शेरपा लेवल की मीटिंग होगी जी ट्वेंटी की शेरपा लेवल की मीटिंग होगी दोस्तों ठीक है इंडोनेशिया से अब खत्म और भारत में आ गई दोस्तों प्रेसिडेंसी सी ट्वेंटी के हेड माता G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी ट्वेंटी के कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला दोस्तों आरबीआई द्वारा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की अभी डिपॉजिट और क्रेडिट पर क्वार्टरली एक रिपोर्ट आई है कौन सा पॉइंट इसमें गलत है आर के रिपोर्ट में कौन सा पॉइंट गलत है तो दोस्तों यहां पे देखा जाए तो आर ने जो कहा है कि हम जो है 15.2 परसेंट की ग्रोथ किए हैं क्रेडिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ का मतलब लोन का ग्रोथ क्रेडिट मतलब लोन तो लोन के ग्रोथ में 17.2 परसेंट है यहां पे यह गलत हो गया 17.2 दशमलव दो परसेंट है उसके बाद इन्होंने कहा टर्म डिपॉजिट ग्रोथ टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है आरडी और एफडी जो कुछ टर्म के लिए फिक्स होते हैं तो आरडी की जो ग्रोथ है दोस्तों और एफडी एफडी की जो ग्रोथ है वो टेन पॉइंट टू परसेंट रही है टेन पॉइंट टू परसेंट रही है तो ये दोस्तों सही है आरबीआई ने सात कोऑपरेटिव बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है ये भी सही है तो दोस्तों केवल ए पॉइंट गलत है जहां पंद्रह दशमलव दो लिखा था जो कि सत्रह दशमलव दो होगा और दोस्तों जो राष्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक मुंबई भारत कोऑपरेटिव बैंक मुंबई इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ चित्तौर कोऑपरेटिव बैंक चित्तूर कंबम कोऑपरेटिव बैंक कंबम पर पराकशम डिस्ट्रिक्ट आंध्रा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु इन सात बैंकों पे दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक ने सात कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है दोस्तों सेक्शन 47 एंड सेक्शन 46 एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दोस्तों सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर किसे कहते हैं जो एकमुश्त आते हैं और फंड में म्यूचुअल फंड की तरफ पैसे लगाते हैं भारत के शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं बॉन्ड में पैसे लगाते हैं तो उन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं तो सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित अपनी कमिटी का पुनर्गठन किया है दोस्तों सोशल स्टॉक एक्सचेंज से सैटरडे को क्वेश्चन आया था कमिटी से भी क्वेश्चन आया था और मेंबर्स की संख्या पूछी गई थी मेंबर्स की नंबर पूछे गए थे इस क्वेश्चन को अक्सर बोरिंग लगता है कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया चार लाइन का लेकिन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में तो दोस्तों यहां पे स... बर एफ पी आई एडवाइजरी कमिटी पैनल विल बी हेडेड बाई हसमुख असमुखिया है एटीन में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की कमिटी बन रही है पैनल बन रहा है जिसको हेड करेंगे आर बाला सुब्रमण्यम तो दोस्तों सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाली कमिटी आर बाला सुब्रमण्यम और एफपीआई वाली कमिटी जो है वो दोस्तों हेड करेंगे हसमुख अधिया हसमुख अधिया करेंगे ओके चलिए वेरी गुड शानदार जिंदाबाद जबरदस्त ओके तो दोस्तों हसमुख अधिया जो है यहां पे देखिए लिखा हुआ है पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं दोस्तों अभी तक के वी सुब्रमण्यम दोस्तों जो है इसको हेड कर रहे थे जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं रहे हैं अभी तो अनंत नागेश्वर है आपको बताना है के वी सुब्रमण्यम जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया थे वो आजकल कहां हैं वो आजकल कहां है दोस्तों बताना है आपको बता सकते हैं दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का है तो दोस्तों आपको लग रहा होगा ये दो इंश्योरेंस के साथ टाइप क्यों किया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक तो दोस्तों बैंक का इंश्योरेंस टाइप कहता है जब कोई बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइएप करती है उसका प्रोडक्ट बेचती है और कमीशन पाती है दोस्तों क्योंकि चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो बाइक का कार का इन सब का इंश्योरेंस करेगी और मैक्स लाइफ जो है दोस्तों वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंसानों का इंश्योरेंस करेगी तो भाई दोनों तरीके की इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं तो यहां पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने इनके साथ टाई अप किया है दोस्तों ओके क्लियर है दोस्तों अब कॉरपोरेट एजेंट्स को कितनी कंपनियों के वो जो है पॉलिसी बेच सकते हैं कॉरपोरेट एजेंट कितनी कंपनियों के पॉलिसी बेच सकते हैं कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बताइए पढ़ बताइए भैया अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं सर मुझे डेली क्लास चाहिए ठीक है आप मेरे घर आ जाइए मैं आपको डेली क्लास दूंगा ठीक है पर्सनल कोचिंग भी हम प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों बस आपको मेरे घर आना होगा दोस्तों ये जो कैमरे का बंधन ही खत्म कर दीजिए ये बोर्ड का बंधन या मोबाइल का बंधन मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा बाकी दुनिया को आप यहाँ बैठ के पढ़ते रहिए दोस्तों हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एक वर्ष की अवधि के साथ आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने लॉन्च करी है दोस्तों ठीक है काम जो है ये याद रखिएगा दोस्तों ठीक है चलिए इंश्योरेंस में दोस्तों सेवेंटी फोर परसेंट एफ है प्राइवेट कंपनी में और सरकारी कंपनियों में दोस्तों बीस परसेंट एफ जैसे एल में एफ की लिमिट है ट्वेंटी किस बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से दस हजार करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है दस हजार करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी एस ने दी है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू दोस्तों एस ने ग्रीन बॉन्ड के थ्रू भी पैसे जुटाए हैं फार्मोसा बॉन्ड के थ्रू भी पैसे जुटाए हैं और सिंडिकेट लोन के थ्रू भी पैसे जुटाए हैं एक जुलाई 1955 को ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ए डी गोरेवाला जी की अध्यक्षता में बनी थी जिन्होंने एस के प्रपोजल को रखा और एस उन्हीं के रिकमेंडेशन पर आई एस के हेड है दिनेश कुमार खारा जिन्होंने अभी डल झील में फ्लोटिंग एटीएम भी लॉन्च किया है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को भी स्पॉन्सर किया है जीएसडब्ल्यू सीमेंट को खरीदा है अरे मैं शेयर इन्वेस्ट किया है सौ करोड़ का डेढ़ सौ करोड़ का पाइन लेब्स में निवेश किया है दोस्तों जी जियो पेमेंट बैंक में थर्टी परसेंट दोस्तों हिस्सेदारी है इसकी ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए एस का ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है दोस्तों थ्री पॉइंट नाइन वन परसेंट हुआ है दोस्तों ठीक है याद रहेगा और यहाँ पे क्वार्टर टू में थ्री पॉइंट फाइव टू हुआ है ठीक है एनपीए का मतलब होता है कि जो पैसा डूब रहा है उनकी संख्या कम हुई है नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों डीलर फाइनेंस प्रदान करने के लिए हाल ही में एक्टिव डॉट ए के साथ भागीदारी करने वाले बैंक का नाम बताइए दोस्तों कोटेक महिंद्रा बैंक एक्टिव डॉट ए के साथ पार्टनरशिप करने वाला बैंक है कोटेक महिंद्रा बैंक कौन है मेरे भाई कोटेक महिंद्रा बैंक है ठीक है क्लियर है याद रहेगा एस बी आई के इको रैप रिपोर्ट में जो है दोस्तों 6.8 परसेंट जो है जीडीपी फोरकास्ट कहा गया है कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक जो हैं दोस्तों उदय कोटक वो एशिया के सबसे अमीर बैंकर हैं भारत के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड बैंकर हैं कायजाद वरुचा एच के ई और सबसे हाईएस्ट पेड सीएमडी हैं दोस्तों कौन इंडस इंड बैंक नहीं एक्सिस बैंक के अमिताभ अमिताभ हैं चौधरी हैं शायद ठीक है चलिए दोस्तों एस बी आई रिसर्च इको रैप रिपोर्ट ने फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री की दूसरी तिमाही यानी कि जो जुलाई से सितंबर वाली है उसकी जो जी डी पी ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.1 दशमलव एक से घटाकर कितना कर दिया है तो दोस्तों एस बी आई ही इकोरेप रैप रिपोर्ट लाती है तो यहाँ पे घटा करके फाइव पॉइंट एट परसेंट कर दिया गया है ये क्वार्टरली रिपोर्ट की बात हो रही है पूरे ईयर के रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है दोस्तों पूरे रिपोर्ट की बात नहीं हो रही केवल इस क्वार्टर की बात हो रही है जुलाई से सितंबर वाले तीन महीने की बात हो रही है बिलियन की संपत्ति के साथ सबसे ऊपर कौन है तो दोस्तों आपको संपत्ति याद रखना है क्योंकि गौतम अडानी का नाम तो आपको याद ही रहेगा गौतम अडानी का नाम तो दोस्तों जो है आपको याद ही रहेगा ठीक है क्लियर है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री वाले 88 बिलियन पर है यानी करीब करीब आधे पे हैं मुकेश अंबानी अडानी से एक साल में कैसे वक्त बदल गए हालात बदल गए जज्बात बदल गए जो मुकेश अंबानी अकेले बेताज बादशाह उनको डबल से पीछे किया है अडानी जी ने दोस्तों राधा कृष्ण दमानी जो डी मार्ट वाले हैं एवेन्यू सुपर मार्ट वाले वो 27.6 बिलियन पे है तीसरे नंबर पे यानी आप सोचिए कि जो तीसरे नंबर वाला है वो कितना पीछे है यानी कि अदानी कितने ज़्यादा अमीर हैं ये आप देख सकते हैं दोस्तों सावित्री जिंदल जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला है इस लिस्ट के अनुसार जिनकी संपत्ति है सिक्सटीन बिलियन और दोस्तों ये जिंदल स्टील ओपी जिंदल ग्रुप की दोस्तों ये हेड भी हैं सावित्री जिंदल इसकी हेड है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है क्लियर है याद रहेगा सभी लोगों को ना सभी लोगों को याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की फिक्की के ग्लोबल स्पोर्ट्स सबमिट टर्फ स्पोर्ट्स अवार्ड में किन किन को स्पोर्ट्स अवार्ड्स बेहतरीन दिए गए हैं ये रहे आपके ऑप्शन कौन से सही है आपको बताना है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सेक्टर 14 हैदराबाद फरीदाबाद हरियाणा की है उसको बेस्ट स्कूल परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है यानी स्कूल जो स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हरियाणा का दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्डी फार्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार जो कि दोस्तों डायरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स हैं एम आर ई आई में यानी उसी फरीदाबाद हरियाणा वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है क्योंकि वही तो वहां से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दोस्तों जो अवनी लेखरा हैं जो भारत की पहली पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है जो राइफल शूटर है दोस्तों जिन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था गोल्ड भी जीता था अभी चैटोरेक्स वर्ल्ड कप में भी गोल्ड जीता है दोस्तों इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का दोस्तों अवार्ड दिया गया है अभी दोस्तों कल देखिए तो कल एक बहुत ही बढ़िया घटना घटी तीस नवंबर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अलावा और क्या दिया गया दोस्तों पच्चीस लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ठीक है क्लियर है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसको दिया गया था किसको दिया संजू हैप्पी बर्थडे मरियम वेबस्टर के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना गया है दोस्तों दोस्तों अभी अगर हम लोग देखा जाए अगर अभी हम लोग देखा जाए दोस्तों तो परमा क्राइसिस परमा क्राइसिस को भी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों परमा क्राइसिस किसके द्वारा चुना गया था कॉलिंस के द्वारा चुना गया था दोस्तों अभी जो है आपका होमर जो बेसबॉल में एक टर्म है होमर ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था दोस्तों कैम्ब्रिज के द्वारा कैम्ब्रिज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था दोस्तों और अब आपके मरियम वेबस्टर के आ गया कि मरियम वेबस्टर ने यहां पे वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है तो दोस्तों गैस लाइटिंग को चुना है गैस लाइटिंग को चुना है दोस्तों अभी एक वर्ड और चल रहा था जिसे हम लोग कहते हैं कि दोस्तों वो मून लाइटिंग शब्द है मून लाइटिंग तो आपको बताना है दोस्तों मून लाइटिंग शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है मून लाइटिंग शब्द किससे रिलेटेड है आइए गैस लाइटिंग का मतलब समझते हैं गैस लाइटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को गुमराह करना अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को गुमराह करके दोस्तों उसे जो है कुछ भी काम करवा लेना जैसे कि बहुत सारे चाचा लोग हैं पाकिस्तान में जो कि कसाब जैसे लड़कों को गुमराह करके दोस्तों उनसे जो है गलत काम करवाते हैं तो दोस्तों जो है गैस लाइटिंग शब्द जो है यूज किया गया है किस लिए दोस्तों द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन स्पेशली फॉर वंस ओन एडवांटेज ठीक है तो दोस्तों ये गैस लाइटिंग मून लाइटिंग शब्द किससे रिलेटेड है मून लाइटिंग शब्द किससे रिलेटेड है बताओ मून लाइटिंग मैं बताता हूं दोस्तों तो विप्रो ने बहुत सारे लोगों को निकाला कुछ लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो दोस्तों वो क्या कर रहे हैं इसमें एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं अब घर पे कोई देखने तो आ नहीं रहा है दूसरी कंपनी से ऑफर आया उसको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तीसरी कंपनी से ऑफर आया उसको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और सब कंपनी का, का काम कर रहे हैं बैठ के सारी कंपनी का काम कर रहे हैं बैठ के तो दोस्तों फ्रीलांसर वर्क भी कर रहे हैं क्या आप फ्रीलांसर भी कर देंगे तो दोस्तों ये जो कोरोना के बाद ये मून लाइटिंग बहुत ज़्यादा चला है तो एक से ज़्यादा कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भाई जिसका सिस्टम लेके हो जिसका लैपटॉप लेके हो उसका तो आप वो यूज कर रहे हो उसके बाद आप कई कंपनी काम कर रहे हो तो फेथफुल आप किसी के लिए नहीं हो इसका डेटा उधर यूज कर उसका डेटा इधर यूज लीक कर रहे हो तो इस तरीके की चीजों के लिए दोस्तों मून लाइटिंग की वजह से लोगों को निकाला भी जा रहा है दोस्तों हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीएम सीईओ और एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो दोस्तों इसके सीईओ और एमडी के रूप में दोस्तों एस रामा मूर्ति को अपॉइंट किया गया बीएससी के दोस्तों चेयरमैन कौन है चेयरमैन कौन है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है एस एस मुंद्रा हैं एस एस मुंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड रह चुके हैं और आर के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों जिसके 30 कंपनियों के ग्राफ को हम सेंसेक्स कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं जो भारत के मार्केट का बैरोमीटर है क्योंकि यही सबसे पुराना है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद तो दोस्तों ये सीईओ बन गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन बन गए जो इसके सीईओ थे यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान बन गए हैं जो कि दोस्तों जो है पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थे ठीक है आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर मेंबर भी हैं ओके okay. याद रखिएगा तो दोस्तों सेबी के हेड का पता चल गया आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबके हेड का आपको पता चल गया दोस्तों एल ने अपनी इक्विटी यानी शेयर को कम किया है भारत बिजली लिमिटेड में भारत बिजली लिमिटेड में दोस्तों कम कर दिया है कितना कर दिया है 4.54 परसेंट कर दिया है यानी बेचा है अपना शेयर सीधी सी बात है कि उन्होंने अपना शेयर बेचा है ओके लाख थे उनके पास अब केवल दो लाख शेयर है एक लाख शेयर उन्होंने बेच दिया है दोस्तों ठीक है सोलह सो तिरानवे करोड़ रुपए में यहां पे बेचा है दोस्तों ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स एआरसी में 9.9 परसेंट हिस्सेदारी हासिल की है जेसी फ्लावर में 9.9 परसेंट हिस्सेदारी हासिल की है दोस्तों यहाँ पर यस बैंक ने किसने हासिल किए मेरे भाई यस बैंक ने हासिल की है ओके क्लियर है याद रहेगी बातें चलिए वेरी गुड अच्छा दोस्तों यहां पे मैंने देखा था कि यस बैंक ने अपने कुछ एन जो है जे फ्लावर को बेचे थे अब हो सकता है कि जेसी फ्लावर उसके बदले में पैसा ना देके इनको शेयर दे दिया हो वरना यस बैंक की माली हालत तो ऐसी नहीं है कि वो शेयर खरीदेगा जैसे कि भाई वोडाफोन पैसा नहीं दे पा रहा था तो भारत सरकार ने शेयर ले लिए उससे वही कुछ स्थिति हमें लग रही है यस बैंक को तो खुद ही एसबीआई ने पैसा दिया तो यस बैंक बचा था ये क्वेश्चन लास्ट मंथ पूछा गया था कि यस बैंक में किसने पैसे लगाए थे तब यस बैंक घोटाले के बाद तब यस बैंक बचा था राणा कपूर दोस्तों इसमें पकड़ाए भी थे जो यस बैंक के मालिक थे उन्हें जेल भी हुई थी कभी वो अभी रिहा हो गए ठीक है चलिए दोस्तों एनडीटीवी को भी दोस्तों खरीद लिया गया है अडानी के द्वारा अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है दोस्तों अब आपने ये खबर तो बहुत दिन से सुनी होगी लेकिन उस समय तो करीब छत्तीस सैंतीस परसेंट ही शेयर था अडानी के पास अब दोस्तों मालिक हो गए हैं मालिक हो गए हैं भाई क्योंकि 99.5 परसेंट हिस्सेदारी इनके पास आ गई है और दोस्तों जो इसके मालिक थे प्रणव राय और उनके जो है वाइफ उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है और दोस्तों जो है जो इसके मालिक थे और दोस्तों रवीश कुमार ने भी रिजाइन कर दिया है एन से तो दोस्तों एन डी दोस्तों सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती थी उस आवाज़ को भी पैसे से खरीद करके ख़त्म कर दिया गया उस मुंह को बंद कर दिया गया तो दोस्तों यहाँ पे एनडीटीवी की जो प्रमोटर फर्म है आरपी आर 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 पी आर एन की जो कंपनी है आर आर पी आर उसने दोस्तों जो है अपनी जो है शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है दोस्तों अडानी ग्रुप की विश्व प्रधान कॉमर्शियल को विश्व प्रधान कॉमर्शियल को वी को दोस्तों अदानी ने इसी कंपनी को खरीदा था विश्व प्रधान कॉमर्शियल को जिसके बाद जो है एन में उसकी हिस्सेदारी प्रणव राय से भी बढ़ के हो गई थी प्रणव राय से भी बढ़ के हो गई थी ठीक है क्लियर है दिव्या सिंह कह रहे सर एक दिन अदानी देश चलाएगा तुमको पता ही नहीं दो से चला रहा है तुम दे अदानी चलाएगा तुमको पता नहीं है शायद कि मोदी जी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए डेढ़ लाख करोड़ संपत्ति है तो अरे डेढ़ सौ बिलियन की संपत्ति तुमको कुछ पता ही नहीं है अडानी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और एशिया के सबसे अमीर आदमी मोदी जी हैं तो ये तुमको पता ही नहीं है देश चलाएगा बोल रही हो तो एन खरीद लिया तुम कह रही हो देश चलाएगा भाई साहब देश तो चला ही जा रहा है ठीक है ये हो गया चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों उस विमान इंजन का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने परीक्षण कार्यक्रम भागीदार ईजीजेट के साथ दुनिया के पहले हाइड्रोजन ईंधन वाले विमान इंजन का परीक्षण किया है विमान ईंधन का परीक्षण किया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा बात समझ में आ रही है तो दोस्तों नेम द एयरक्राफ्ट इंजन दैट हैव रिसेंटली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन तो हाइड्रोजन से चलने वाले दोस्तों जो है एयरक्राफ्ट इंजन का यहां पे जो है परीक्षण किया गया विथ इट्स टेस्टिंग प्रोग्राम पार्टनर्स इजी जेट के साथ दोस्तों इसे शुरू किया है किसने दोस्तों रॉल्स रॉयस ने रॉल्स रॉयस दोस्तों बहुत अमीर लोग यूज करते हैं इसकी गाड़ियां लेकिन हमारे यहाँ पे एक नवाब हुआ करते थे जो कि रॉल्स रॉयस वाले कंपनी के शोरूम ने बेजती कर दी थी तो उसको ले करके अपने कूड़ा फेंकवाते थे उससे नगर निगम को दे दिया था रॉयल्स रॉयस से कूड़ा फेंका जाता था पूरी दुनिया में न्यूज़ बन गई बाद में रॉयल्स रॉयस वाले ने माफ़ी अभी मांगी अपनी गाड़ी वापस ले गए तो दोस्तों ऐसे ऐसे केसेस भी हमारे यहाँ हुए हैं रॉयल्स रॉयस तब से भाई साहब कि पूरे प्रोफाइल चेक करके ही गाड़ी देता है टर्म एंड कंडीशन लिखवा के कि कि आप क्या करेंगे इससे रॉल्स रॉयस चला जो जिसके पास रहती है वो अपने नहीं चलाएगा ड्राइवर चलाएगा और ड्राइवर सफ़ेद वर्दी में रहेगा पूरा किस संगठन ने हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साइंटिस्टों को दोस्तों जो है यहाँ पे Uh, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से जलवायु से संबंधित झटके का आकलन करने के लिए यानी टू एस एस क्लाइमेट रिलेटेड सॉक्स का अध्ययन करने के लिए दोस्तों साउथ एशिया के लिए हाई रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन दोस्तों जो है स्पेशियल मैप को जो है विकसित किया है डेवलप किया है तो दोस्तों बहुत ही टफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही टफ नाम यहाँ पे आए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया दोस्तों आपको ये बताना है कि ये संस्था कहाँ पे आई सी के अभी प्रोग्राम में मोदी जी भी गए थे इसे अफ्रीका में फसलों को उगाने के लिए भी दोस्तों सम्मानित किया गया था ये संस्था कहाँ पर है ये आपको बताना है ये आपको बताना है दोस्तों ठीक है जो बताएगा उसका भला होगा 1966 में आई थी दोस्तों 68 कंट्रीज इसकी हेड है 1966 में आई थी 68 कंट्रीज इसके जो है दोस्तों मेंबर हैं और दोस्तों मस्त सुगु असाकावा मसत सुगु असाकावा मसत सुगु असाकावा असा इसके जो हैं दोस्तों वो हेड हैं और दोस्तों जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक मसद सुगु असाकावा हो गया ये हो गया ये हो गया फिलीपींस के मनीला के मंडल योंग में इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में एशिया का नोबेल प्राइज रेमन से अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस को ही हम लोग ने ब्रह्मोज मिसाइल दिया है ब्रह्मोज मिसाइल दिया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे हैदराबाद में है आईसीआर का हेडक्वार्टर मतलब वो संस्था दोस्तों वेन वॉज एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व तो दोस्तों एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये 28 से 2 नवंबर दिसंबर को 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया गया एक एयर दोस्तों शो भी हुआ था वो हुआ था बेंगलोर में याद रखिएगा ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त जिनके भी आज एग्जामिनेशन है सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों एकदम जो है ताबड़तोड़ करके आइए दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप पर अड़तीस साल के बाद फटा है उसका अलावा हवाई द्वीप दोस्तों किस महासागर में स्थित है मौना लोआ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्टेड आफ्टर थर्टी एट ईयर्स ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई बिग आइलैंड ऑफ हवाई इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गर्त ट्रेंच मरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशियन में ही है दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शाह अमेरिकी महाद्वीप में है यह भी याद रखिएगा कि वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है हवाई आइलैंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है क्योंकि सात कॉन्टिनेंट भी है ना सात महासागर है तो सात कॉन्टिनेंट भी है तो पैसिफिक ओशियन याद रखिए तो कॉन्टिनेंट भी याद रखिए अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों कौन सा राज्य एक अलग सेपरेट दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट दिव्यांग कल्याण विभाग की स्थापना करने जा रहा है तो दोस्तों ये महाराष्ट्र करने जा रहा है दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट दोस्तों अलग से बनाया जाएगा अलग से बनाया जाएगा दोस्तों मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल बनाया गया उसके हेड कौन है मनरेगा दोस्तों जो कि दो में एक्ट आया था 2006 में दोस्तों यह योजना आई थी पहले 90 दिन का रोजगार देती थी फिर 100 डे का की और दोस्तों जो रेन फेडेड एरिया है वहां डेढ़ दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में दोस्तों सुधार के लिए पैनल बनाया गया है जिस पैनल के हेड हैं अमरजीत सिन्हा मनरेगा का फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा में शायद यूपी ने टॉप किया है यूपी ने दोस्तों टॉप किया है याद रखिएगा धनंजय जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राधे राधे दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है तो दोस्तों यहां पे फूड एनिमल के रूप में अप्रूव किया गया है दोस्तों हिमालयन याक को किसको हिमालयन याक को फूड एनिमल जो है क्योंकि खाने पीने की चीजों का अप्रूवल एफ ही देता है दोस्तों ठीक है तो द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प चेक डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड बोविन एनिमल बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री तो इसको कन्वेंशनल मिल्क और मीट इंडस्ट्री का पार्ट बना दिया गया क्योंकि जिसको इसका पार्ट बना दिया जाता है वो उसकी जो है पैदावार बढ़ जाती है तो हिमालयन याक की पैदावार बढ़ जाए लोग पालें बड़ा करें ताकि उसको पैसे कमा के बेच पाए इसके लिए दोस्तों ये मूव लिया गया है फूड एनिमल एंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन बाई ह्यूम तो ह्यूमन अब इसे खा सकते हैं ठीक है याद रखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2023 में जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को आयोजित करेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने वाला है एग्जाम में आने वाला है अब इससे बढ़ मैं क्या बोलूं क्या बोलूं भैया एग्जाम में आने वाला है और ये क्वेश्चन उनसठवें नंबर पे है फिफ्टी नाइन नंबर पे यानी जो टिक गया वो मोती है जो बह गया वो पानी जो चले गए उनको कैसे पता चलेगा कि जी ट्वेंटी की मीटिंग अब भारत में होने जा रही है 2023 में फरवरी में बैंक गवर्नर्स और फिनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होगी और आप बैंक की तैयारी भी करते हैं तो दोस्तों जो है यहां पर यह मीटिंग बेंगलुरु में होगी तो भैया अलग अलग लेवल की मीटिंग अलग अलग जगह होगी कोई मीटिंग दिल्ली में होगी कोई कश्मीर में होगी कोई उदयपुर में होगी कोई जयपुर में होगी कोई हैदराबाद में होगी कोई सिकंदराबाद में होगी कोई चेन्नई में होगी बहुत सारी मीटिंग होगी अलग अलग मिनिस्टर्स की अलग अलग अधिकारियों की मीटिंग होगी दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों 2023 दो, दो में जी ट्वेंटी से संबंधित बैठकों की मेजबानी के लिए भारत के विभिन्न शहरों का चयन किया गया है तो दोस्तों ये निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की है ये कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं कर्नाटका से दोस्तों ये राज्यसभा से सांसद हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान ने किस शहर में एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विस का उद्घाटन किया है एनिमल क्वारंटाइन दोस्तों जो है सर्विस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया एयर शो का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया तो बेंगलुरु में बहुत सारी चीजें की गई हैं दोस्तों जैसे पंडित पंडिताइन से भागते हैं गुप्ता गुप्ताइन से भागते हैं वैसे कोरोना भी क्वारंटाइन से भागते हैं तो दोस्तों ये वो एक क्वारंटाइन की बात हो रही है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों रेलवे किस ईयर तक यूरोप साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया के बाजारों में वंदे भारत ट्रेनों का एक्सपोर्टर बन जाएगा वंदे भारत ट्रेन जो है दोस्तों पांचवी वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच में चलाई गई बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन जिसे के रेलवे स्टेशन कहते हैं वहाँ से इसको हरी झंडी मोदी जी ने दिखाई थी वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम टी एटीन है दोस्तों और या इसका इसकी जो है इसको बनाया जाता है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में दोस्तों पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वैष्णो देवी धाम और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों वो गुजरात के गांधीनगर से मुंबई चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस अंदौरा हिमाचल प्रदेश से दिल्ली और पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस मैसूर से चेन्नई के बीच में चलाई गई है ठीक है दोस्तों गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 400 सौ वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है 400 सौ वंदे भारत ट्रेन ये भारत की पहली इंजन लेस हाई स्पीड दोस्तों जो है ट्रेन है ऐसी ही एक ट्रेन इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई मालगाड़ी की भी बना रही है जिसका नाम गतिशक्ति रखा गया है शक्ति रखा गया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए तो दोस्तों 2024-25 दो तक वंदे भारत इंजनलेस क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे देखिए इंजन का डब्बा अलग से लगता था पहले अब नहीं लगता है यहां देखिए ऑटोमेटिक ये डोर बंद हो जाते हैं जैसे मेट्रो ट्रेन के बंद हो जाते हैं ठीक है लेकिन पहले वाला जो इंजन वाला था ना वो बड़े मजबूत था हाथी आ जाए उड़ा देता था बैल आ जाए उड़ा देता था अब क्या है कि ये प्लास्टिक वाला है अभी मेट्रो ट्रेन की तरह अब इस पे हाथ अगर आ, कोई जानवर लड़ जाए तो यही पिचक जाता है अब यही पिचक जाता है अब जो है वो बेचारा जो है गाय वाय जो है हो सकता है उसको कम चोट आए तो अच्छी बात है तुम पिचक जाओ लेकिन किसी जान बच जाए भैया ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो रेलवे अगले कुछ सालों में पचहत्तर वंदे भारत ट्रेनों पर 10 से 12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना भी बना रहा है 2025 तक बनने वाली 400 वंदे भारत ट्रेनों में से 100 में यह तकनीक होगी ठीक है दोस्तों अभी इसकी जो नई सीटिंग अरेंजमेंट है वंदे भारत की वो किस कंपनी को काम मिला है नई सीटिंग अरेंजमेंट का काम किस कंपनी को मिला है फटाफट बताइएगा दोस्तों तो 2025 दो 26 जो है इसका आंसर है ठीक है 2025 26 इसका आंसर है ओके 2025 26 दोस्तों ट्रेन्स की बात हो रही है तो दोस्तों आपको बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड में रहतियान रेलवे ने शुरू किया है स्विट्जरलैंड में ठीक है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है ठीक है ट्रेन से बात हो रही पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है अवनी लेखरा जी को को सम्मानित किया गया मेरे भाई अवनी लेखरा जी जो की राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दोस्तों, भी श्रेयन को दोस्तों का अवार्ड मिला है फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में फॉरमर फार, रणजी प्लेयर सरकार तलवारकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और दोस्तों उड़ीसा को जो है मिला है यहाँ पे बेस्ट स्टेट फॉर परफॉर्मिंग प्रमोटिंग स्पोर्ट्स क्योंकि हॉकी के सारे जो है कि इस्पॉन्सर इन्होंने कर रखे हैं फीफा के दोस्तों जो है इसके लिए स्कूल्स बना रहे हैं स्कूलों में प्रमोट कर रहे हैं ओलंपिक के लिए वैल्यू प्रोग्राम चला रहे हैं तो दोस्तों उड़ीसा तो हॉकी वर्ल्ड कप हॉकी का स्टेडियम बना रहा है महिला टीम को भी स्पॉन्सर दस साल के लिए कर दिया पुरुष टीम को तो उड़ीसा के नवीन पटनायक जी स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है उड़ीसा से बेहतरीन काम कोई भी राज्य नहीं कर रहा है इसमें भी कोई दो राय नहीं है तो दोस्तों यहां पे देखा जाए कि विच मिनिस्ट्री हैज द गोल्ड अवार्ड ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस तो दोस्तों यहां पे जो है पंचायती राज मंत्रालय को गोल्ड अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोस्तों ठीक है पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है जो बेगूसराय से कन्हैया कुमार को हरा के सांसद बने हैं दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने करंट अफेयर को कंप्लीट किया दोस्तों सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज्यादा करंट अफेयर यहां पे होता है जहाँ मिलावट नहीं होता शुद्ध करंट अफेयर मिलती है यहाँ स्टेडिक जी के घुसा करके आपको 10-15 करंट अफेयर में नहीं निपटाया जाता यहाँ 50-60 करंट अफेयर डेली कराए जाते हैं दोस्तों ये सरकारी परीक्षा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों क्योंकि तो मैं आपको अगर बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं तो मेरी अपेक्षा आप लोगों से है कि आप लोग मेरे हाथ पैर हैं आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये सेशन फेमस हो जाए और यह सेशन अब फेमस हो सकता है कैसे हो सकता है बताओ क्योंकि तो अभी तक मैं बैंकिंग वालों को करंट अफेयर पढ़ाता था तो दोस्तों वहां पे फ्री में नहीं आता था तो बच्चों को मोटिवेशन नहीं था अब मैं एसएससी वाले चैनल यूपी अभी शुरू करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब इस चैनल इस करेंट अफेयर की क्लास को हम लोग प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो एस तो के बच्चे जो है जुड़ते चले जाएंगे जो है राज्य सरकारों की तैयारी करने वाले बच्चे जुड़ते चले जाएंगे तो ये सेशन दोस्तों बहुत आगे जाएगा आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है आपको इसे प्रमोट करना है शेयर करना है जितने दूर तक जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों करिए ठीक है क्लियर है चलिए थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर लव यू ऑल